शौर्य उद्यान में पहली बार हुआ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। दुधिया रोशनी से नहाया झुंझुनू का शौर्य उद्यान। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल के प्रयास लाए रंग। कटा हुआ बिजली कनेक्शन फिर जुड़ा। साफ सफाई की कलेक्टर ने कहा, अब नियमित खोलेंगे शौर्य उद्यान। बैंड वादन समेत कव्वाली के कार्यक्रम हुआ शौर्य उद्यान में। पहली बार झुंझुनू AVBBB झुंझुनू के दोरासर गांव में स्थित शौर्य उद्यान के अच्छे दिन आ गए हैं। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल के प्रयासों से पहली बार शौर्य उद्यान में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम हुए। इसे लेकर पूरे शौर्य उद्यान को रोशनी से जगमगाया गया है। साथ ही साफ सफाई कर इसे शुरू करने की तैयारी की गई है। शौर्य उद्यान का बिजली कनेक्शन फिर से जुड़वा दिया गया है, जिसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के तहत शौर्य उद्यान में बैंड वादन, रोशनी और कव्वाली का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल के अलावा भाजपा प्रदेश महामंत्री, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया व भाजपा नेता बबलू चौधरी समेत अन्य ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चिन्मय गोपाल ने कहा कि शौर्य उद्यान के बकाया कार्य जल्द पूरा करवाकर इसे आमजन के लिए खोला जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री, पूर्व सांसद संतोष अहलावत तथा पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि शौर्य उद्यान आने वाली पीढ़ी को देश प्रेम की प्रेरणा देने और झुंझुनू की शौर्यता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान कव्वाल सलीम राजा की ओर से कव्वाली कार्यक्रम भी पेश किया गया। अभियान जो हमारा 9 तारीख से झुंझुनू में चल रहा है, तो आज शाम को शौर्य उद्यान में हमने शौर्य उद्यान की पुनः लॉन्चिंग मान सकते हैं, क्योंकि कल कुछ समय से शौर्य उद्यान बंद पड़ा था, तो सफाई करवा के और बिजली कनेक्शन वापस करवा के हमने यहाँ पर एक बैंड वादन के कार्यक्रम से वापस पुनः लॉन्चिंग करवाई है। तो आज चार प्राइवेट स्कूल्स के बैंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। डुडलोक पब्लिक स्कूल, SS मोदी, GV मोदी एंड ज्योति विद्यापीठ, चार स्कूल्स का बैंड वादन हुआ है। इसके बाद एक कव्वाली प्रोग्राम होगा। देखिए, ये जो शौर्य उद्यान है झुंझुनू का, ये मैं समझती हूँ कि एक अनूठा पनोरमा है, जहाँ पे शहीदों की जो कुर्बानियाँ दी गई है उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उन्होंने किस किस वॉर में हिस्सा लिया वो सब देखने को यहाँ मिलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मैं सांसद थी उस समय एक शौर्य उद्यान प्रारंभ हुआ था, और पिछली कांग्रेस की 5 साल की सरकार में यहाँ पे ताले लगे हुए थे, धूल फांक रहा था सब ये, और आज आप देख रहे हो यहाँ पे बैंड वादन का कार्यक्रम हुआ है। देशभक्ति की धुनों के साथ बच्चों ने बैंड वादन किया है और हाथ में तिरंगा लेकर हर घर में तिरंगा फहराने का जो कार्यक्रम झुंझुनू जिले में हो रहा है, मैं समझती हूँ कि राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम हो रहा है। एक सप्ताह भर से हमारे जिला कलेक्टर के साथ संपूर्ण टीम और हमारे सब नेता और सब संस्थाएं मिलकर और आप तमाम मीडिया के बंधु भी इस चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। मैं समझती हूँ यादगार पल है, और हर प्रतिष्ठान पे, हर घर में, हर हाथ में तिरंगा बुलंद रहेगा। मैं आपको यही शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आजादी के अमृत महोत्सव काल में आज एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ की एक एक तस्वीर इस देश की शौर्य गाथा जा रही है। झुंझुनू के शौर्य उद्यान में मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि आज प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी मंशा के अनुरूप एक कार्यक्रम आज शौर्य उद्यान में किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में इस शौर्य उद्यान का निर्माण करवाया, और यहाँ एक एक तस्वीर, एक एक जर्रा जर्रा इस देश की आजादी की गाथा गा रहा है। इस देश की सीमाओं पर बलिदान करने वाले लोगों के शौर्य की गाथा गा रहा है। बड़ा अफसोस है कि ऐसे जगहों को कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार विस्मृत कर दिया, जैसे कोई जगह कोई पाकिस्तान में हो। जगह जगह कचरा फैला पड़ा है, मूर्तियों पे मिट्टी चढ़ी हुई है, और 5 साल में इतनी ऐतिहासिक भूमिका किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। आज सरकार बदलने के बाद इस शौर्य उद्यान का एक तरह से कायाकल्प हुआ है। आज ये बैंड वादन का, तिरंगे का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, वाकई ये बहुत ही जिले के सम्मान के लिए सम्मान की बात है। और मैं भी आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों से निवेदन करना चाहूँगा, आज इसका द्वार खुला है। हम आने वाले समय में हमारा ये हमेशा द्वार खुला रहेगा, लोगों को आना चाहिए, इस भूमि को, इस शौर्य उद्यान को देखना चाहिए। उनके पुरोधाओं ने
उनके पुरखों ने जिस प्रकार का बलिदान देकर अपनी प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित लगाने कराने का जो काम किया है उनको नमन करना चाहिए। और वाकई ये प्रतिमाएं, ये शौर्य उद्यान पूरे हिंदुस्तान की सीमाओं पर मर मिटने वाले रणबांकुरों के गाथा गा रहा है। अनेकों अनेकों तस्वीरें अपने आप में पता नहीं क्या क्या यहाँ बयान कर रही है। अभी वो दौर आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे शौर्य स्थल बनने भी चाहिए और इनको देख के लोगों को अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी करना चाहिए।